नमस्कार, मैं हूं मनविंदर रावत और आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। 14 फरवरी 2019 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश अपने शत्रु की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य का प्रवेश आप लोगों के लिए सम का व्यवहार लेकर के आएगा। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर सूर्य सिंह राशि के स्वामी होकर के जब अपने सम की राशि में भ्रमण करेंगे और वहां से अपनी ही राशि को देखेंगे तो आप लोगों के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। एक राजा और दूसरा शनि सेना, तो दोनों का कोई विशेष तालमेल नहीं रहता। यहां पर राजा की सोच और एक सेना की सोच में बहुत फर्क होता है। अब राजा जब सेना के घर में जाकर के बैठेगा तो वह फल भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार देगा, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब यह डिपेंड करता है कि वह किस स्थिति में है, कैसे ग्रहों की दृष्टि में है, कैसे ग्रह उसको देख रहे हैं, उस अनुसार सूर्य का प्रभाव इसे एक महीने आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। आपके लिए यह जो महीना रहेगा और सूर्य भी बुद्धि के स्वामी होकर के लाभ में बैठे हैं तो लाभकारी समय तो रहेगा। इस महीने आपके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार के अंदर कुछ नए कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। परिवार के अंदर जो मानसिक तनाव चल रहा था वह ठीक होगा, पर साथ ही साथ इस महीने आपको डाइजेशन से संबंधित शिकायत हो सकती है, पेट आपका डिस्टर्ब रहेगा। नो डाउट यह महीना आपके लिए निर्णायक रहेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कोई पुलिस केस मुकदमा यदि आपके ऊपर चल रहा है तो यह जो उलझन है आपकी इस महीने खत्म हो सकती है, ऐसा ग्रह गति बताती है। वृष राशि वाले, आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति रहेगी इसमें आपकी राशि का स्वामी शुक्र अपने मित्र शनि के साथ में रहेगा और सूर्य आपके कर्म भाव में रहेंगे, तो कर्म भाव की मजबूती होगी। जो मेहनत आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके सुख साधनों के स्वामी होकर के सूर्य अपनी ही राशि को देखेंगे तो इस महीने आप सुख साधनों से संबंधित चीजें खरीद सकते हैं, समय उचित है। त्वचा रोग यदि कोई चल रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। हम यहाँ कह सकते हैं निसंकोच भाव से कि जो वृष राशि के दर्शक हैं उनके लिए जो प्लैनेटरी पोजीशन है वह बेटर है। पर दोस्तों, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस महीने आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट देखने को मिलेगी, गुस्सा आपका अपने मित्रों के साथ आपके रिलेशनशिप के ऊपर देखने को मिलेगा, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मन मुटाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए आपके शरीर का स्वामी
आपके मन का स्वामी। बुध ग्रह आपके भाग्य स्थान पर रहेगा, त्रिकोण स्थान पर रहेगा, तो यह कहीं ना कहीं आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। जो लोग अकाउंट्स में, जो लोग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, ज्योतिषी हैं, आचार्य हैं, उनके लिए जो ग्रहों की स्थिति है इस महीने, वह बेटर रहेगी। लाभप्रद समय रहेगा 14 फरवरी से। आय के साधन बढ़ेंगे और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके पिता के साथ जो आपका रिलेशन है वह ठीक हो जाएगा। परंतु सूर्य भी इस भाग्य स्थान में रहेंगे तो आपको थोड़ी सी शिकायत हार्ट से रिलेटेड आपके पिता को दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह भी सूर्य में पड़ रही है। कर्क राशि की यदि हम बात करें तो आपके लिए यह जो महीना है बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। इसे 14 फरवरी से पूरे एक महीने तक आपको आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा, इनकम कम, खर्चे ज़्यादा होंगे, परिवार के साथ मनमुटाव की स्थिति होगी, बवासीर पाइल्स जैसी या बीपी से संबंधित शिकायत यदि आपको चल रही है तो वह आपको परेशान भी करेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए दोस्तों सिंह राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। पति या पत्नी के माध्यम से भाग्योदय होना, उनके माध्यम से कार्य बनना, आपकी राशि का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठेगा और अपनी ही राशि को देखेगा। केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठना केंद्र भावों की बढ़ोतरी कर देता है और उसके ऊपर गुरु का चतुर्थ प्रभाव केंद्रीय। तो दोस्तों यह जो समय रहेगा आपके लिए एक महीने का सिंह राशि वालों के लिए, कार्य में जबरदस्त वृद्धि होगी, रुके हुए काम बनेंगे, स्वास्थ्य वृद्धि होगी, पर थोड़ा सा जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वह थोड़ा विशेष सावधानी ज़रूर रखें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। कन्या राशि की जो स्थिति है उसमें आपकी राशि का स्वामी छठे भाव में रहेगा, रोग के स्थान में रहेगा, शत्रुओं के स्थान में रहेगा। तो यहाँ पर शत्रु पूरी कोशिश करेंगे आपको बाधा पहुँचाने की, पूरी कोशिश करेंगे आपको मानसिक तनाव देने की, पूरी कोशिश करेंगे आपको कि आपका स्ट्रेस बढ़े, अननेसेसरी उलझने आपके जीवन में आए। पर दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सूर्य साथ में रहेंगे तो इसीलिए आपकी जो उलझने हैं ये आएंगे ज़रूर जीवन में, पर इनसे आप बखूबी इनका सामना भी करेंगे और इनसे निकल भी जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि अहित मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए आपकी राशि का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है, अपने मित्र के साथ में, धन के कारक ग्रह स्वयं आपके धन पर बैठे हैं, यानी कि धन वृद्धि का योग बनेगा। इसके अलावा लाभेश सूर्य वह आपकी बुद्धि पर बैठे हैं, दिमाग से पैसे कमाना, जो लोग सिर्फ माइंड गेम खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती हैं, कंसल्टेंसी वर्क करते हैं, सलाह मशवरा का काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष सफलता मिलेगी इस महीने। इसीलिए समय आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि का स्वामी आपके शत्रुओं के भाव पर बैठेगा, मुकदमे पर और शत्रुओं पर विजय ज़रूर दिलवाएगा 14 फरवरी के बाद।
पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी तकलीफ भी बनेगी, क्योंकि मंगल थोड़ा सा फास्ट है, तेज गति का है, गुस्से वाला है, ईगोइस्ट है, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस महीने। गुरु आपकी राशि में बैठे हैं तो ये शुभ साइन है, तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ज़्यादा गंभीर विषय यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। आपके लिए भी जो स्थिति रहेगी वह अच्छी है। पॉलिटिकल फील्ड में जो लोग कार्यरत हैं उनको विशेष सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए धनु राशि के दर्शकों, जो ग्रहों की स्थिति है वह थोड़ी सी टेंशन वाली रहेगी, पर भाग्य के माध्यम से काम जरूर होते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा आप चिंता ना लें। पर इस महीने थोड़ा आलस आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा और वाणी पर संयम आपको बरतना होगा, क्योंकि वाणी स्थान के ऊपर केतु बैठे हैं तो वाणी से आदमी कड़वा हो जाता है और अपना शत्रु स्वयं बना लेता है लोगों को, और खर्चे भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है। थोड़ा ध्यान रखिए, संभल के चलिए और प्रेम भाव के साथ में 14 फरवरी से अगले एक महीने तक का समय व्यतीत करिए। बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए पंचम भाव बुद्धि का यह मजबूत होगा। इसके अलावा आपकी राशि का स्वामी जरूर आपसे 12वें बैठा और आपकी राशि में केतु बैठे हैं, तो आपके लिए मानसिक तनाव तो रहेगा ही, पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जितना आप हो सके बड़े मेजर जो वर्क हैं उनको बहुत ही सुनियोजित तरीके से करने का प्रयास करें, उसमें कहीं भी कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि दो ग्रह मंगल केतु राहु ये आपको परेशान भी करेंगे और आपको कहीं ना कहीं हानि भी कराएंगे धन की, इसलिए ध्यान रखना है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए कुंभ राशि के दर्शकों, जो ग्रहों की स्थिति है वह फेवरेबल है। स्वयं लगन का कारक ग्रह लगन में रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा रहेगा, आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा, आपके कार्यों के लिए अच्छा रहेगा, आपके नए कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा, आपको पत्नी व पति के प्रेम के लिए अच्छा रहेगा, पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा, तो ये सब चीज़ों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसीलिए समय आपका लाभदायक है, आप सुनियोजित तरीके से कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए जो स्थिति रहेगी ये बहुत फेवरेबल है। मीन राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। स्वास्थ्य हानि जरूर मुझे इस महीने दिखाई दे रही है, हार्ट से, आंखों से, पेट से, हड्डियों से रिलेटेड, पर आपकी राशि का स्वामी गुरु नवम भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेगा तो, और आपकी बुद्धि को देखेगा तो इन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। धन का स्रोत आपका बढ़ता रहेगा, धन का आगमन आपके पास इस महीने पूरा रहेगा और बढ़ोतरी व्यापार में भी आपके देखने को मिलेगी। दोस्तों यह था मेष से लेकर के मीन राशि तक का 14 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का, 13 मार्च तक का एक महीने का राशिफल, जो कि सूर्य पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित रत्न खरीदना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।